वेल दोस्तों, फाइनली हमारे पोको एक्स 3 के लिए MIUI 13 की अपडेट यहाँ पर एक निकल के आ चुका है। एक पोटो डोम है दोस्तों, एक MIUI की मोटो डोम है जिसे हम लोग अपने पोको एक्स 3 में यहाँ पर जिसे आज मैं अपने पोको एक्स 3 में यूज़ कर रहा हूँ। अगर दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो के इस रोम की इंस्टॉलेशन प्रोसेस चाहते हैं, रिव्यू चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट आएगी और वीडियो में दोस्तों 100 लाइक्स आएगी तो आप लोग को इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग इस वीडियो को पसंद करें। और जल्दी से दोस्तों मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर लेकर आऊँ, तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पोको एक्स 3 की डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, हमारा पोको एक्स 3 देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं MIUI 13 की पोर्टेड रोम, MIUI 13 की बीटा रोम की एक सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों पर्सन की बात करते हैं हम यहाँ पर, MIUI 13 22.1.19 के अपडेट दोस्तों देखने को मिलता है दोस्तों। और ये पोर्टेड रोम है। इस रोम को दोस्तों अपने फ़ोन में फ्लैश करने के लिए आप लोगों को कस्टम की जरूरत पड़ेगी और आप लोग अपने डिवाइस की बूट लोडर को अनलॉक करना होगा, तभी दोस्तों आप लोग इस रोम को अपने फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं। पर दोस्तों इस रोम को फ्लैश करने के बाद हमारे फ़ोन में बहुत से फीचर्स देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हमें यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ की सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो 90 हर्ट्ज़ में दोस्तों हम अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो हमारे फ़ोन की परफॉर्मेंस इसमें दोस्तों अच्छा मिलेगा, जो लगने से दोस्तों वो कम मिलेगा और दोस्तों बैटरी जो है वो हमारे यहाँ पर कम कंज्यूम होगा। तो इस तरह के दोस्तों सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमें मेमोरी एक्सटेंशन की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, दोस्तों वर्चुअल रैम की जो सपोर्ट मिलता है दोस्तों वो भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों हमें जो डायनेमिक विजेट की सपोर्ट मिलता है MIUI 13 में, उसकी सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारे फ़ोन में, क्लॉक के विजेट, बैटरी की विजेट दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड की विजेट देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो जो भी सपोर्ट है डायनेमिक विजेट की वो देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हो दोस्तों, तो मुझे कमेंट में बताइए, आप लोगों की दोस्तों रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोग अपने पोको एक्स 3 में इसे इंस्टॉल करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आप लोगों को जरूर से दिखाऊंगा। अभी के दोस्तों मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को फीचर्स बता रहा हूँ कि क्या क्या हाईलाइट फीचर्स हमें देखने को मिला MIUI 13 के अपडेट के बाद से हमारे पोको एक्स 3 के लिए। पर दोस्तों अगर आप लोग इंस्टॉलेशन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और इस वीडियो में 100 लाइक्स आते हैं तो हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा। और दोस्तों इसमें हम लोग को मोनेट थीमिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे दोस्तों एंड्रॉइड 12 में जो हमें मेटल ड्यू वाली थीमिंग सपोर्ट मिलता है दोस्तों, वो उसकी सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग इस रोम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को इसकी भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, मेटेरियल यू मोनेट थीमिंग की सपोर्ट दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डायलर में जाएंगे ना, डायलर में आप लोगों को मी की डायलर की सपोर्ट देखने को मिलेगा, गूगल डायलर नहीं, मी की डायलर की दोस्तों सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर न्यू कंट्रोल सेंटर की भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में न्यू कंट्रोल सेंटर की सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग इस वीडियो इस रोम की रिव्यू चाहते हैं, इस रोम की इंस्टॉलेशन प्रोसेस चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।